जीते जी तुम अपने अनिष्ट चेष्टा में कदापि सफल नहीं हो सकते। रात्रि के अर्ध पहर में ये हमारे आवास पर अवश्य चोरी करने के लिए घुसा था। चोरी पकड़ी गई इसीलिए उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांट। गुरुजी, ऊपर नीचे आगे पीछे हर दिशा से डांटूंगी। ऐसा हम भी अम्मा कह रहे हैं। अरे रुक, अरे हटो, भागो, अरे अम्मा भागो, बताओ। ओह रुक जाओ, रुको। ये गुरुवर को क्या हुआ है? कैसी बातें कर रहे थे? क्या सुन लिया इन्होंने? इतनी रात्रि को हमारे आवास पर क्यों आए? वो एक तो गहरी निद्रा से उठकर वैसे ही मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, ऊपर से तुम्हारे इतने सारे प्रश्न। मुझे कैसे ज्ञात होगा शारदा, मैं अभी तो सो रहा था ना। ये बुढ़ा अवश्य चोरी करने ही आया था। गुंडप्पा, जा जाके रसोई में देख, मेरे लड्डू तो नहीं चुरा लिए इसने? अगर चुराए होंगे मैं उसे अभी बताती हूँ। नहीं 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 नहीं। अरे अम्मा, अभी कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं अम्मा, रात बहुत हो गई, हम कल प्रातः जाएंगे। हाँ 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 हाँ। लामा, ये देख, ये त्या है, त्या लेता, तू समझ में नहीं आ रहा है क्या? गधे गुंडप्पे, उल्टा पढ़ेगा तो कैसे समझ में आएगा? पंडित रामा, अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हैं? आज से 20 रोज बाद अगली अमावस्या की रात मुगल फौज का लश्कर विजयनगर पर हमला करने पहुंच जाएगी। और आप दक्षिण द्वार खोलने का बंदोबस्त करके रखना, फिर जल्द होगा कृष्णदेव राय का अंत और हमारी फतेह। आमीन। ये कैसा संदेश है? हुजूर, जहां पना, अभी तक आप सोए नहीं? बहुत रात हो चुकी है। बड़े ताज्जुब की बात है, इस सरजमी पर ऐसा भी कुछ है जो सुल्तान हिंद की नींद और चैन ले ली है। वजीर मलिक, जब तक हम विजयनगर का नाम इस नक्शे से मिटा नहीं देते, नींद को इस महल के बाहर ही हमारा इंतजार करना पड़ेगा। गुस्ताखी मुआफ, जहां पना, अब आप सो जाइए। वैसे तो नींद तो अब पंडित रामा कृष्णा की उड़ने वाली है, ये जान करके कि 20 दिन बाद अकरब की रात मुगल फौज की एक टुकड़ी महल पर हमला करेगी और उसे हमारी मदद करनी होगी। इस बात में आपने क्या फंसाया है उसे? जाल चिड़िया की औकात देखकर ही बिछाया था हमने। हम जानते हैं कि रामा कृष्णा बहुत ही शातिर है, लेकिन इस बार जो हमने दाना डाला है वो उसके गले की हड्डी बन जाएगा, जिसे ना वो उगल सकेगा और ना निगल सकेगा। यहाँ पना, इस खबर से तो विजयनगर में जलजला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पना, पंडित रामा कृष्ण हमारे जाल में फंस जाएगा, लेकिन 20 दिन बाद क्या? उसे तो सब कुछ सच पता ही चल जाएगा। वजीर मलिक, इस बार हमारी सारी तवज्जो उस पंडित पर है। अगर वो पंडित जिंदा है या बंदी गृह से बाहर है, तो विजयनगर से फतेह के रास्ते में वो हमारा सबसे बड़ा काटा साबित होगा, और ये हम हरगिज होने नहीं देंगे। वजीर मलिक, जहां पना, फौज का वो दस्ता जो बहमानी रियासत की तरफ भेजा था, वो कहां तक पहुंचा? अब जहां बना, जो आपने हुक्म दिया था, फौजी दस्ता वामनी रियासत में पहुंचने ही वाला है। सिपा सालार से कहो कि वो फौरन विजयनगर की तरफ कूच करे। अब लेकिन जहां बना,
वो भामनी रियासत की ओर। समझे नहीं तुम वजीर मलिक, वो तो बस एक चाल दुश्मन को बहकाने के लिए। फौज की असली मंजिल तो विजयनगर ही है। हुक्म की तामील हो। बस 20 रोज और, 20 रोज तक इस कमबख्त पूरे चांद की सफेद चांदनी हमारी नींद को ढूंढती रहेगी और फिर ये सफेद चांदनी काली होगी। तब हम विजयनगर पर पूरी तरह फतेह हासिल करके चैन की नींद को गले लगाएंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा जापना। विजयनगर पर आक्रमण, मुगल फौज विजयनगर की ओर आ रही है। इसमें अवश्य किसी षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही है। और अभी अभी गुरुवर भी कुछ विचित्र बातें करके गए, पर अनायास ही इस गुप्त संदेश पत्र का यहां मिलना, ये सब किसका संकेत है? संकेत कुछ भी हो रामा, कठिनाई तो तेरे ऊपर ही आने वाली है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। संभवतः इस बार तेरे लिए बचना संभव नहीं होगा। हे भगवान, मुझे तुरंत महाराज को सूचित करना होगा। षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराज के विरुद्ध, पूरे विजयनगर के विरुद्ध। आपातकालीन घंटी की ध्वनि इस समय। ये कैसी आवाज है इतनी रात को यहाँ? ये आवाज नहीं है शारदा, ये आपातकालीन समय की चेतावनी है। कुछ घोर अनिष्ट होने जा रहा है। क्या हो रहा है ये सब? गुरुवर, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि आपको अर्धरात्रि में आपातकालीन घंटी बजानी पड़ी? षड्यंत्र महाराज। षड्यंत्र? घोर षड्यंत्र। वो राजद्रोही है। कौन? महाराज वो आपके और विजयनगर के विरुद्ध बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है महाराज। विजयनगर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है वो। कौन कर रहा है गुरुवर? पंडित रामा। गुरुवर, ये क्या आधारहीन बातें की जा रहे हैं आप? प्रतीत होता है अर्ध निद्रा में जाग कर आए हैं आप यहां पर। रात्रि बहुत हो चुकी है, कल प्रातःकाल बात करेंगे। शुभ रात्रि। महाराज 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 महाराज, एक बार हमारा पूरा कथन सुन लीजिए कृपया। बोलिए। वो क्या है महाराज के हाथ जब धनी मनी हमारी खड़ाऊं ठीक करवा रहे थे तो उन्हें एक मुगल गुप्तचर मिला। और महाराज वो इनसे दो माँ वाले व्यक्ति के विषय में पूछ रहा था। गुरुवर, दो दो माँ वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। दो माँ वाले व्यक्ति तो पंडित रामकृष्ण है। वही तो महाराज। गुरुवर, कोई अज्ञात व्यक्ति धनी मनी से पंडित रामकृष्ण के विषय में कुछ पूछता है और आप सोच रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण उस व्यक्ति के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहा है। क्या उपहास कर रहे हैं गुरुवर? नहीं 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 महाराज, हम नालायकों अर्थात धनी मनी की बातों में नहीं आए महाराज। वो संदिग्ध व्यक्ति हमें भी रास्ते में मिला था महाराज, क्योंकि हमें उस पर पहले से संदेह था तो हमने उसका पीछा किया और पाया कि वो
पंडित रामाकृष्णा के घर गया और वो गुप्तचर पंडित रामाकृष्णा से कह रहा था कि ठीक 20 दिन पश्चात मुगल सेना विजयनगर पर आक्रमण करने पहुंच जाएगी और जैसे ही मुगल सेना विजयनगर पहुंचेगी पंडित रामाकृष्णा दक्षिण द्वार खोल देंगे और उसके पश्चात विजयनगर पर आक्रमण और आपकी पराजय। और महाराज हमने ये भी सुना कि आपके पराजित होने के पश्चात विजयनगर का नया राजा पंडित रामाकृष्ण बनेगा। पंडित रामाकृष्ण जी महाराज विजयनगर राज्य पर आक्रमण करने में मुगलों की सहायता करेंगे? जी महाराज असंभव। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? ईर्ष्या महाराज, इतिहास साक्षी है कि ईर्ष्या के कारण कई बड़े बड़े तख्त पलट किए गए। किससे ईर्ष्या? हमसे? आपसे नहीं महाराज, आपसे नहीं, हमसे। गुरुवर, ईर्ष्या अत्यंत तीव्र भावना होती है और जहां तक हम देख रहे हैं पंडित रामकृष्ण आपसे ईर्ष्या नहीं करते हैं। महाराज आपका हृदय विशाल है, आपके मन में सभी के लिए समान दृष्टिकोण है महाराज, इसीलिए महाराज यही कारण है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पंडित रामकृष्ण की दृष्टि केवल और केवल राजगुरु के स्थान पर रही है। वो हमारी अर्थात राजगुरु की पदवी पाना चाहते हैं। मने समझ में नहीं है, हमारे गुरुजी ने बात को विपरीत दिशा में क्यों घुमा दिया? अरे गुरुजी का सर जो घूम गया है, पंडित रामकृष्ण के खिलाफ अपने हाथ से मौका जाने देते हैं क्या? एक क्षण के लिए मान भी ले के पंडित रामकृष्ण आपसे ईर्ष्या करते हैं, परंतु वो इतने मूर्ख भी नहीं है कि विजयनगर राज्य पर आक्रमण करने का दुस्साहस करेंगे। इसे कहते हैं स्वयं अपने ही जाल में फंस जाना। महाराज तनिक सोचिए, महाराज सोचिए, हमें राजगुरु किसने नियुक्त किया? हमने किया है गुरुवर। तो बस महाराज, पंडित रामकृष्ण के लिए असली शत्रु तो आप हुए ना महाराज, क्योंकि आपने उन्हें राजगुरु नियुक्त नहीं किया। तो आपके कहने का तात्पर्य यही है गुरुवर कि पंडित रामकृष्ण की आपके प्रति जो ईर्ष्या थी वो अब हमारे प्रति विद्रोह में परिवर्तित हो गई है, जिसके फल स्वरूप पंडित रामकृष्ण हमारी गद्दी चाहते हैं। सही महाराज, इस बार बिल्कुल सही आंकलन लगाया महाराज आपने, बिल्कुल सही आंकलन। और ऐसा ही आंकलन एक बुद्धिमान राजा को अपने बुद्धिमान राजगुरु की बातों को लगाना चाहिए। महाराज हमारे विचार से हमें समय व्यर्थ नहीं कमाना चाहिए। पंडित रामकृष्ण राजद्रोही है, उन्हें कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। महाराज हम तो पंडित रामकृष्ण को गुप्तचर के साथ षड्यंत्र रचते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, परंतु हमसे एक भूल हो गई महाराज। कैसी भूल? महाराज वो पंडित रामकृष्ण ने हमें गुप्तचर की बातें सुनते हुए देख लिया। महाराज पंडित रामकृष्ण अपने रहस्य को छुपाए रखने के लिए अभी आते होंगे और आते करेंगे। हमने क्या किया, हमें फंसाया जा रहा है महाराज। आप उनकी बात महाराज ये लीजिए महाराज। महाराज कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है विजयनगर के विरुद्ध, विजयनगर पर आक्रमण होने वाला है आज से 20 दिवस के पश्चात अमावस्या के दिन। ये देखिए क्या हुआ महाराज, पढ़िए ना। महामंत्री जी पढ़िए इसे। पंडित रामकृष्ण, इस पर तो आपका नाम लिखा गया है और ये पत्र भी आप ही को संबोधित किया गया है। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ मंत्रीवर,
कि इस पत्र में मेरा नाम क्यों लिखा गया है और मुझे क्यों संबोधित किया गया है? देखा, देखा महाराज, आपने देखा, हमने कहा था एक अपराधी, एक षड्यंत्रकारी ऐसे ही अपनी बात को घुमाने का प्रयास करता है। अपराधी, षड्यंत्रकारी, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? बस पंडित रामा कृष्णा राजद्रोही। हमने कहा था ना महाराज आपसे, ये महाशय यहाँ पर आएंगे और हम सबकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करेंगे ताकि हम इन पर संदेह ना कर सके। संदेह? संदेह तो मुझे आप पर करना चाहिए गुरुवर। इतनी रात्रि को आप मेरे घर पर किस प्रयोजन से आए थे? आपको रंगे हाथों पकड़ने पंडित रामा कृष्णा राजद्रोही। हमने स्वयं तुम्हें तुम्हारे घर पर देखा। वो मुगल गुप्तचर तुम्हें संदेश दे रहा था। मुगलों में सम्मिलित हो तुम। विजयनगर पर आक्रमण की योजना का हिस्सा हो। देशद्रोही हो तुम। मैं सम्मिलित हूं, मैं आक्रमण कराऊंगा। गुरुवर, मेरे घर पर कोई नहीं आया था आपके और धनी मनी के अतिरिक्त। आया था, हमने देखा, हमारे शिष्यों ने देखा। महाराज ये देखिए, महाराज ये संदेश पत्र पंडित रामाकृष्णा ने आपको बाद में आकर दिया, लेकिन हमने आपको पहले सत्य बता दिया कि गुप्तचर ने क्या संदेश दिया। हमने तो ये संदेश पत्र पढ़ा ही नहीं महाराज। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने और हमारे शिष्यों ने जो अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना वो सत्य है। और सत्य यह है महाराज कि गुप्तचर ने पंडित रामाकृष्णा को संदेश दिया। गुरुवर आप होश में तो हैं? मैं तो स्वयं इस पत्र को लेकर यहाँ। और महाराज साथ ही साथ हमें यह भी लगता है कि पंडित रामाकृष्णा इस समय यहाँ इसलिए आए हैं ताकि आपकी आगे की योजना जान सके और उस योजना की सूचना शत्रुओं तक पहुंचा सके ताकि उन्हें आक्रमण करने में सरलता हो। महाराज मैं बस महामंत्री जी। महाराज अभी इसी क्षण पंडित रामकृष्ण को बंदी बना लिया जाए। परंतु महाराज हम ये कह रहे थे कि हम विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय पंडित रामकृष्ण को देश द्रोही घोषित करते हैं। और इन्हें फांसी का दंड सुनाते हैं। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.